नमस्कार दोस्तों, आज 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। तो जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी और योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इसी के बारे में बात करेंगे आज। पहली बार योग दिवस को 21 जून 2015 को मनाया गया था और इसकी शुरुआत की पल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। बात करें 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को केवल 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया और इस प्रस्ताव में सबसे पहले समर्थन करने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला बने थे और इसके साथ साथ विश्व के लगभग सभी देशों ने इसका समर्थन किया था, जिसमें चाइना ने भी अपना समर्थन दिया था। योग का मकसद आत्मज्ञान और सभी तरह की शारीरिक परेशानियों से पार पाना है। योग हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि मनुष्य के जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। योग हमें ना केवल फिजिकल एक्टिव बनाता है, बल्कि ये मानसिक रूप से भी हमको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर देता है। योग की शुरुआत तो कई सालों पहले हो गई थी, इसके साक्ष्य हिंदू सभ्यता में भी मिलते हैं और योग के पहले गुरु के रूप में भगवान शिव को माना जाता है। योग एक विज्ञान है जिसकी उत्पत्ति भारत से होती है और अब ये पूरे विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके साथ साथ योग को अपने डेली रूटीन का पार्ट भी बनाया गया है। अब दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।